राम राम जी, क्या हाल चाल है? जय श्री राम भाई। चल रहा है आज गुरुग्राम। समस्या क्या है? हमारा लोन का जो प्रोसीजर है उसमें पता लगा है कि हमें NOC देनी है और हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं, मतलब मैंने मेल कर दी बट मेल का अभी तक रिप्लाई आया नहीं है। तो मैंने कंपनी को बोला कि भैया आप वो पैसा बैंक को दे दो, बट अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। इसी वजह से मेरे पास एड्रेस भी है गुरुग्राम का, तो गुरुग्राम डायरेक्ट जा रहा हूँ और वहाँ पे जाकर डायरेक्ट बात करते हैं एंड देखते हैं क्या अपडेट है और क्या क्या चीज़ें रहेंगी। हो सकता है मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी करूँ इस जेब में रख के फ़ोन को। जैसे भी होगा आप लोगों को दिख जाएगा, नहीं हुई होगी रिकॉर्डिंग तो कुछ नहीं पता लगेगा, हो जाएगी तो वो पता लग जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। आज हम तो जाएंगे इससे, जाएंगे दिख रही है नीचे ये पल्सर, तो इसी को लेकर चलते हैं और अपना आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम। बस अभी यहाँ से निकलते हैं, अच्छे से जर्नी को अपना कवर करते हैं। हेलमेट रह गया एक्चुअली में, फ़ोन का स्टैंड नहीं है ना, तो बीच बीच में एक दो जगह कहीं रुकूंगा तो आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा लोकेशन की। नहीं रुका तो नहीं बता पाऊँगा, जैसे भी रहेगा धीरे धीरे बता रहा करता, मतलब बताता रहूँगा ठीक है, या फिर सीधा गुरुग्राम में लेंगे जैसे भी सीन रहेंगे देते अपडेट। तो भाई अब यहाँ से चलते हैं, चाबी लगाते हैं और पहला सेल्फ मारते हैं। गाड़ी न्यूट्रल है? नहीं, न्यूट्रल करनी पड़ेगी क्योंकि न्यूट्रल नहीं करता तो स्टार्ट नहीं होती ना। दूसरे हाथ में फोन है ना इसके पास। अच्छा, इस बाइक में देखो पावर कितनी है, गियर डाल दिया, इसमें रेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं तो। हाँ, इतनी पावर तो है इसके अंदर, 250 सीसी में ये बाइक है और 150 भागती है टॉप। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, 7 की स्पीड पे तक चल रही है। सेकंड गियर डाल दिया मैंने, 13, 14, 15, 16, 17 की जा रही है। अगर थर्ड गियर डालूँगा तो शायद डाउन हो जाए। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, ठीक है। अभी आ गया भाई दिल्ली और ये इंटरनेशनल आर्ट के लिए कुछ लिखा हुआ था उस जगह में, उस लोकेशन पर। यहाँ से आगे गुरुग्राम जाने के लिए कम से कम 35 किलोमीटर और आगे जाना है, तो अभी पंडारा रोड के पास में बिल्कुल सामने ही तक लिखा हुआ है। तो यहाँ से निकलते हैं और आइए की तरफ। यहाँ पर रोड मैप खोला मैंने यहाँ पर, जिससे ईजिली पता लगेगा क्योंकि अब रास्ते बहुत ज़्यादा है आगे पीछे को, मतलब मोड़ मोड़ के। तो यहाँ से चलते हैं आगे। हरियाणा में एंटर तो हो गया और यहाँ से मुंबई एक्सप्रेस है 26 किलोमीटर और मेरी लोकेशन तो दिखा रहा है सेक्टर 48 में जाना है, मतलब 48 में जाने के बाद ही लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। बट 48 में जाने के लिए 8 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा, तो यहाँ से 8 किलोमीटर और आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर रह गया और अभी सिकंदर पीने के लिए रुका हूँ। बाइक भी बहुत हीट कर दी, हीट तो करेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है ना, बट अभी मौसम थोड़ा ठीक हुआ है और जल्दी रात में मैंने सही पीता। गन्ने का जूस पीने के लिए और रुका था, मतलब 2 लीटर पीता मैंने, चलो गन्ने का जूस और पी लें, एनर्जी बहुत कम रहती थी। मतलब मेरठ से निकलने के बाद, अब मेरे को यहाँ पर आने के बाद ही गन्ने का जूस मिला हरियाणा में सेक्टर 48 के पास, यहाँ से 3.5 किलोमीटर रह गया। तो बस यहाँ से अब देखते हैं अपनी लोकेशन पकड़ते हैं और देखते हैं आज इंश्योरेंस वाले हमारे क्या कहेंगे। फाइनली यूनाइटेड इंडिया के ऑफिस पहुँच गया, बट अभी पार्किंग में लगाई है बाइक और यहाँ पर लिफ्ट है, ये नहीं पता कौन से फ्लोर पर, बस देखते हैं ये वाली आ जाएगी क्या, ये जा रही है शायद ऊपर चले गए तो देखते हैं ये वाली आई थिंक। फाइनली ऑफिस में आ गया यूनाइटेड इंडिया की, अब यहाँ पर देखते हैं क्या बात होती है, फिर उसके बाद अपडेट देता हूँ। गेट पास, गेट पर जब गाड़ी नई गाड़ी बाहर निकलती है तो गेट पास होता है, वो ये है कि भाई मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं गाड़ी कैसी लेता, ठीक है। अब मेरे पास पैसा नहीं था, अभी तो मैंने गाड़ी लोन पर दी थी, तो मैं ये आपसे मतलब चाहता हूँ कि ये जो मेरे को आप पैसा देना चाह रहे हो मेरी जगह डायरेक्ट बैंक को दिया जाए। तो मेल कोई नाम था ऑफिसर का, क्या नाम था जिसने मेल करा आपको? हाँ, मेल में दिखा देता हूँ। यूनाइटेड के ऑफिस में आ गया एंड इसी में ही पॉलिसी बाजार वालों का भी ऑफिस है, तो हमें पॉलिसी बाजार वालों से बात करनी है डायरेक्ट। दो लोगों से अब तक कर चुका, जिसमें कि एक की मैंने आपको दिखा दी, उससे पहले भी एक से की थी,
अभी एक मैडम से बात करनी है, अब उनका वेट कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास एक क्लाइंट ऑलरेडी बैठा, उनके जाने के बाद ही मेरे फिर मेरे से बात होगी, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं, ठीक है बताते हैं, अपडेट देते हैं। बारह बावन माइनस दस तेरह ये हो गया और आप कह रहे हो 172 हो जाएगा 67 लेकिन अभी हम वैल्यू आप इतने बैंक का सर्टिफिकेट हमें दो और इतने हमारा वो सेकंड वैल्यूशन का हमने डाला है वो भी आ जाएगा फिर उसके आगे के फिर अमाउंट आपको एक बार ही बता के फिर जो आरसी का कैंसिलेशन वगैरह जो प्रोसीजर है फिर हो जाएगा नहीं पिछले 4-5 किलोमीटर से ऐसा ही दिल्ली का कुछ हाल है, अभी तो लाइनें कम भी हो गई, करीब 6-7 हैं, पीछे तो कम से कम 15 लाइनें थी, 15 से भी ज़्यादा ही मान लो, अभी तो कम हो गई, बट भाई जाम नहीं ख़त्म हो रहा ये दिल्ली का। दिल्ली से गुरुग्राम से जब दिल्ली में एंटर करते हैं, दिल्ली से जब गुरुग्राम में एंटर करते हैं, दोनों तरफ से सेम हाल है, पता नहीं आवाज़ कितनी आ रही है कितनी नहीं, बट जितना हो सकता उतना तेज़ बोल रहा हूँ। इंश्योरेंस कंपनी से तो मैं निकल गया, वहाँ पे मैंने बात कर ली, मैं मतलब चलो आगे रास्ते में बताता कहीं रुकूँगा वहाँ बताऊँगा बाकी नहीं रुकेगा। एक क्लिप मैंने वैसे रिकॉर्ड की थी पर मुझे आइडिया नहीं बट वो हुई है रिकॉर्ड ठीक से नहीं हुई है, पर उससे अलग एक मैम और है जो सीनियर मैम थी, ब्रांच की पूरी हेड के ब्रांच हेड थी, तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा मतलब वो बिजी थी उन्होंने बट मेरा नंबर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया और मैंने उन्हें बताया कि मैम कैलाश मैम बोल रही है कि वो आपसे डिस्कस करेंगे, तो वो बोलते हैं कि आज तो पॉसिबल नहीं है बट मैं कल ज़रूर करूँगी, और उन्होंने कैलाश मैम को बुला के उनसे बोला कि इस फाइल के बारे में उनको कल बताना ज़रूर, तो अभी देखते हैं कि आप देख रहेगी कल तक हमारे पास कोई अपडेट आती है नहीं आती है, जैसे भी रहेगा कल आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता लग जाएगा जब भी मैं ब्लॉग डालूँगा, क्योंकि ब्लॉग भी मैं अभी अपलोड कम ही कर रहा हूँ ना, और जाम का आप लोगों का हाल दिख रहा है भाई, एक तो 5:30 इस टाइम पे जाम रहेगा ही रहेगा क्योंकि लीव हुई है ना सब लोग तो छुट्टी है और आग लग गया है एक्सीडेंट। सुबह से चलते चलते ये टाइम हो गया, थक गया था बहुत ज़्यादा, सामने से अभी कोल्ड ड्रिंक ली है, अब कोल्ड ड्रिंक पी के निकलूँगा बस यहाँ से, मुरादनगर पहुँच गया स्टेशन पर। तो गाइज़ ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं अगले दिन, और अगले दिन का कुछ सीन ऐसा है कि मतलब कल मैं आने के बाद थक तो गया था आप लोगों को पता है, गुरुग्राम गया था और इंश्योरेंस कंपनी में गया था, और इंश्योरेंस कंपनी में पहुँचने के बाद आप लोगों को पता है क्या क्या चीज़ें हुई, वहाँ पे मैंने बात करी, मैंने उन्हें बताया कि मैम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पिछले 4 महीने 3 हफ्ते से इतना टाइम मेरे एक्सीडेंट को हो चुका, और आपकी कंपनी का सर्वेयर मतलब यूनाइटेड इंडिया और पॉलिसी बाजार ठीक है दोनों कंपनी बहुत ही बड़ी हैं, यूनाइटेड इंडिया गवर्नमेंट है, बट ये जो इंश्योरेंस था ना भाई स्कोडा कंपनी, अगर ये आप लोग शेयर करोगे ना तो शायद कहीं तक तो ये बात पहुंचेगी, तो उसमें ये है कि स्कोडा जो हमारा जिससे मैंने गाड़ी ली थी उसने क्या करा, पॉलिसी बाजार वालों को भी ये लगता है कि ये इंश्योरेंस मैंने खुद कराया था बाहर से, कंपनी ने नहीं कराया यूनाइटेड इंडिया वो स्कोडा वालों ने, तो ये इंश्योरेंस जो कराया था भाई स्कोडा कंपनी ने ही कराया था, और वहाँ पे पीयूष नाम का एक लड़का था जिसने आज कंपनी छोड़ दिया दूसरी कंपनी में, तो उसने अपने प्रॉफिट के चक्कर में कमीशन के चक्कर में ये इंश्योरेंस मेरा बाहर से कराया था, जिस वजह से मेरे को इतनी ज़्यादा एक तो तकलीफ़ हो रही है, दूसरा ये कि इन दोनों की सर्विस इतनी ज़्यादा घटिया है कि इनका जो सर्वेयर है उसने 4 महीने+ टाइम लगाया है मेरी फाइल सबमिट करने के लिए, और मतलब वो ना कमीशन वाली बात होती ना हराम का खाने वाली आदत होती ना लोगों को, तो वही चीज़ थी, उसने मेरे को डायरेक्ट बोला नहीं क्योंकि फ़ोन पर बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, वो सब चीज़ें थी, तो उसे मैं पैसे दे देता अगर वहाँ जाके मिल जाता तो वो मेरा फाइल एक ही 15 दिन के अंदर अंदर मैं बता रहा हूँ इतना श्योर हूँ कि मेरी फाइल को सबमिट कर देता। आप लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हो तो 15 दिन मतलब सर्वेयर से जाके मिलो और उसके हाथ में पैसे रखो, क्योंकि वो तभी फाइल सबसे जल्दी होगा, एंड दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी अगर आप किसी सिटी में ही है
तो चार आदमी लेके जाओ अपने और उनके ऊपर जाकर डंडा कर दो, वो साला अपने आप करेगा जल्दी से जल्दी काम को। गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा इसलिए मैं आप लोग मुंह से गाली निकल गई, बट सॉरी। एंड अभी प्रोसीजर ये था कि मैं वहाँ पर गया, मैंने बताया मैं मेरे साथ ऐसे ही सब चीज़ हो रही है, मैं खुद अपने बल पर ही इस गाड़ी को लिया था और समझो मैम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है पे EMI पे करने के लिए, मैं EMI पे नहीं करूँगा, मैं चार महीने की कर चुका हूँ, पाँचवें महीने की मेरी बाउंस हो जाएगी, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ इसी महीने मेरी EMI पे, मतलब ये लोन जो हमारा लोन चल रहा है गाड़ी का ये क्लोज हो जाए, आप मेरे को पूरा पेमेंट कर दो जल्दी से, मेरे को नहीं मेरे बैंक को पेमेंट कर दो, जिससे मैं इस चीज़ से फ्री हो जाऊं, क्योंकि मैं नहीं हो पा रहा हूं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया आपकी कंपनी ने आपके लोगों ने, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। फिर वहां से मैं घर आया, घर आने के बाद आप लोगों को बीच में एक जगह मैंने क्लिप दिखाई दी, दो जगह, उसके बाद सीधा मैं घर आया, सोया आराम किया, अब सुबह उठाऊँ तो मैंने आप लोगों को अपडेट देने के लिए ऐसा किया। आप जैसे भी रहेगा अगले दिन, आज भी अभी कोई मेल नहीं आया, कल तक आएगा मुझे लगता है, आज तो ऐसे निकाल देंगे, वो कल मेल भेजेंगे, फिर कल भी रात तक ही भेजेंगे, शाम को 5 बजे के आसपास, जिससे मैं रिप्लाई करूँ तो रेस्पॉन्स ना कर पाए, अगले दिन देंगे, तो ऐसे मुझे लग रहा है ईद के बाद ही कुछ अब होगा, तो जैसे भी होगा अपडेट देते हैं। जय श्री राम गाइस, बाय बाय, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। जितना भी अभी मैं बहुत कम अपडेट हूँ, बट कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट होने की फ्यूचर में। अभी पहले इस मैटर से निकल जाऊँ और आप लोगों को इसकी एक पूरी वीडियो बनाकर बताऊँगा कि मेरे को कितना समय लगा और मैंने क्या क्या गलती की इस लोन को जल्दी क्लियर कराने के लिए, और गाड़ी को कहाँ रखना चाहिए गाड़ी, वो सब चीज़ें भी अपडेट दूंगा। वैसे थोड़ा सा बता दिया मैंने आप लोगों को, फिर भी नेक्स्ट मैं दोबारा एक बार और बताऊँगा।